just wanna feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy, I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see, hit you with a bullet to the brain. Let us have breakfast, we going, you going insane. सो हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग थंबनेल और सिनेमैटिक शूट देख के समझ गए रहोगे आज क्या दिखने वाला है ये वीडियो में। आज पहली बार मैं जाने वाला ऑफ रोड करने के लिए, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऑफ रोड किया नहीं है। मतलब पूरा सेटअप के साथ तो कभी ऑफ रोड नहीं किया है। RR पे जितना चाहिए था वो सब कर लिया, मगर स्पेशली ऑफ रोड कभी नहीं किया। तो अचानक बोलते ना स्पीड से अभी मन भर नहीं गया, मतलब थोड़ा चेंज चाहिए था, तो सोचा अभी थोड़ा ऑफ रोड भी ट्राई कर लेते। तो उस हिसाब से ही आज हम लोग ये वीडियो में एक रिव्यू भी देने वाला हूँ मैं आप लोग को, जो चीज़ नई आई है ऑफ रोड के लिए क्या क्यों अच्छी है और क्यों वो सब चीज़ आप लोग को लेनी चाहिए वो बताने वाला हूँ, और ऑफ रोड भी आप लोग को दिखाऊंगा थोड़ा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं जैकेट से। तो ये है सोलेस का AirX, ये Level 2 है, और क्या ही कमाल का है यार। मतलब आप लोग ने तो सिनेमैटिक में ऑलरेडी देखा होगा, मगर अभी एकदम बोलते ना डिटेल में रिव्यू देता हूँ मैं आप लोग को। तो ये है सोलेस का AirX जैकेट Level 2, और बहुत कैची कलर लगा मुझे, और मुझे स्पेशली अभी इस बार ऐसे सेटअप चाहिए था। पहले आप लोगों ने देखा होगा RR के साथ जो मेरा पूरा सेटअप था पूरा मैट ब्लैक के, मतलब मेरे बाइक के हिसाब से पूरा सूट था। तो अभी मेरे को थोड़ा बोले ना चेंज चाहिए था और कैची चाहिए था, तो कैची के हिसाब से मैंने पूरा सेटअप रखा हूँ। ये जो है पूरा हमारा सेटअप आप देखोगे पूरा कैची कलर से नियॉन कलर में मैंने लिया हुई है, और इसी के साथ SMK का एक हेलमेट भी है जो स्पेशली ऑफ रोड के लिए और नया ही आया है मार्केट में। दोनों भी प्रोडक्ट जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और आने के साथ अपने पास आ गए हैं, तो उसके बारे में बताता हूँ। चलो तो पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, तो सबसे पहले ये आता है रेन लाइनर जो बारिश के टाइम आप लोग को काम आएगा, इसको अभी हम रखते हैं साइड में फ़िलहाल। और आते हैं मेन चीज़ के ऊपर, तो ये है हमारी मेन चीज़ हमारा जैकेट। आप भी थोड़ा साइड में हो जाओ। हाँ, तो ये आता है जैकेट सोलेस का AirX Level 2, और एकदम नए डिज़ाइन के साथ आया, फ्रेश लुक के साथ एकदम, और बहुत लाइट वेट है। ये भी लाइट वेट है क्योंकि ऑफ रोड में आप लोग को पता होगा ऑफ रोड में हेलमेट और गियर्स हमारे जितने लाइट वेट होंगे उतना ज़्यादा अच्छा मज़ा भी आता है और एंजॉय भी कर पाते, क्योंकि ज़्यादा हैवी से फिर बॉडी पेन करने लगेगी। उससे अच्छा जितना लाइट वेट रहेगा वही चीज़ इक्विपमेंट लेना चाहिए। तो अभी इसको मैं आपको दिखाता हूँ पहन के, आप भी साइड में रहो। तो ये ऐसा कुछ है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत कैची लगा था। लिटरली अभी मैं ब्लॉग भी कर रहा था, इधर ही ज़्यादा फोकस मेरे को खुद को फील हो रहा है। हो गया ऑल सेट। तो इसके बारे में बताओ, तो इसमें आपको एल्बो प्रोटेक्शन मिलता है, शोल्डर प्रोटेक्शन, बैक में प्रोटेक्शन मिलता है आपको। हाँ, इसमें चेस्ट गार्ड नहीं है, इधर पर चेस्ट आपको लगाना पड़ता है, और उसके लिए मगर यहाँ पर पॉकेट रखा है, अगर आप चाहो तो आप ये लगा सकते हो, उसमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आपको पॉकेट रखा गया है, यहाँ से आप चेस्ट गार्ड भी लगा सकते हो। बाकी एकदम लाइट वेट लग रहा है, और इसमें वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। ये जो आगे जो आप देख रहे हो मैश मटेरियल, ये वेंटिलेशन के लिए, ताकि आप समझ सकते हो एग्जॉस्ट होने की वजह से ना पूरी हालत ख़राब हो जाती है, इसके लिए वेंटिलेशन के लिए भी जैकेट अच्छा खासा हमारा है, पूरा मैश मटेरियल से बना हुआ, इधर देख सकते हो आप। और ये है कुछ नया, कुछ पहली बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं ऐसी चीज़, और साथ में साथ जब अभी जैकेट ले लिया था तो जैकेट के साथ में हम लोग को ऑफ रोड के लिए एक हेलमेट भी चाहिए था जो प्रॉपर ऑफ रोड के लिए हो, तो उसमें SMK ने हमारी हेल्प कर दी। ये देखो हेलमेट, जल्दी से अनबॉक्स करते क्योंकि मेरे खुद को एक्साइटमेंट हो रही है आप लोग को दिखाने के लिए। तो ये है SMK का Altera जो स्पेशली फॉर ऑफ रोड है, और क्या ही कैची ग्राफिक्स के साथ आता है। ये और भी कलर्स में आते हैं, मैं आप लोग को साइड में फ़ोटो चलवा दूंगा यहाँ पे कि कौन से कलर्स में ये आते हैं।
बाकी क्या लुक है यार, क्या कैची कलर लग रहा है मुझे। और ये जो गॉगल्स इसमें है ये आपको अलग से लेने पड़ते हैं, ये हेलमेट के साथ में नहीं आते, ये अलग से लेने पड़ते हैं आपको। तो फटाफट इसको भी वेयर करता हूँ, पूरा सेटअप आपको दिखा दो कैसे दिख रहा है। वेयर इज़ माई बाल कलावा वेरा। तो फटाफट आपको पूरा सेटअप दिखाता हूँ मैं कैसे दिखने वाला है ये। तो ये हमारा कुछ ऐसा सेटअप दिखेगा, पूरा कैची कलर, पूरा पूरा सेटअप ही मैंने इस बार ऐसे लिया गया, मेरे को कैची ही चाहिए था। तो ऐसे कुछ दिखेगा ये। और हेलमेट बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब लिटरली आपको बोलता हूँ ये ऑलमोस्ट कुछ तो 1300 ग्राम के आसपास आता है, जो ऑफ रोड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ऑफ रोड के समय गियर जितना लाइट वेट रहेगा उतना हेल्प मिलेगा आप लोग को, तो वो एक प्लस पॉइंट है। और आप लोग को लग रहा होगा कि ऑफ रोड इसका लाइट वेट किया गया है इतना, तो कुछ क्वालिटी में भी होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ इधर। SMK ने बताया कि उसने शेल के साथ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की, बस जो उसका मटेरियल आता है उसमें वेट रिडक्शन के लिए पूरा ध्यान रखा गया है, बाकी शेल एज इट इज़ जैसा हमारा पहले एकदम रफ एंड टफ शेल आता था वैसे ही शेल है हमारा बस। और पहली बात तो यहाँ पे वाइज़र नहीं होता, जो SMK के जो बाकी हेलमेट्स होते हैं उसमें वाइज़र होता है, डबल वाइज़र होता है एक्चुअली, तो इसके लिए वो भी वेट बढ़ जाता है, मगर अभी इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा ओपन आता है, ये गॉगल्स हमें लगाने पड़ते तो उसके बाद हम लोग यूज़ कर पाते हैं। उसमें फिर वेट रिडक्शन हुआ, 1300 ग्राम का हेलमेट बना है पूरा, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, आप देख सकते हो एकदम लाइट वेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं फील हो रही। और इसके बारे में और बताना चाहूँगा तो वेंटिलेशन यहाँ पर तो पूरा है, मगर जब हम ऑफ रोड करते हैं तो हमारा जो बोल रहे एरोडायनेमिक है, फिर जो एयर का इम्पैक्ट आता है ना, उसके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे गैप्स रखे गए ताकि एयर पास हो जाए, तो ज़्यादा विंड ब्लास्ट भी हमें फेस ना करना पड़े। तो SMK ने ये प्रोडक्ट बहुत सही बनाया, मेरे को बहुत सही लगा ये हेलमेट ऑफ रोड के हिसाब से। तो अब एक काम करता हूँ मैं, आपको भी कैमरा सेटअप से निकल के ना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में मिलता हूँ, थोड़ा ऑफ रोड करके देखते हैं हम लोग भी कैसे क्या लग रहा है गियर्स के साथ में, और जितना हो सके उतना डिटेल में आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो इसके लिए चलो अभी वहाँ से निकल दे और ऑफ यहाँ पे मोटो ब्लॉगिंग में आते हैं। ओके, तो फाइनली आ गए हम हमारे ऑफ रोड वाले सेटअप में, और जैकेट की जिप मैंने अभी तक इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। हो गया हमारा सेटअप, चलो GoPro भी चालू है, फटफट निकलते पहले इधर से। मैंने प्लेस ही ऐसे डिसाइड किया था जिधर मुझे ऑफ रोड करने मिले, पूरा कीचड़ पहाड़। लिटरली आप लोगों को बोलता हूँ हेलमेट इतना लाइट वेट फील हो रहा है ना ये, क्या आपको क्या बताऊँ। और इसी के साथ सैडलिंग थोड़ा चालू करेंगे अभी हम, ऊपर देख के आता हूँ ऊपर कुछ है क्या करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रायल है, इसके लिए यहाँ पे इतना कुछ टफ नहीं जा रहा है। लिटरली जो मजा आ रहा है ना इसे चलाने में, और सैडलिंग लिटरली हिमालय का ऐसी बाइक ने बोलता पूरी फन टू राइड है, जिसको ऑफ रोड करना है, लॉन्ग रोड करना है, जो करना है करो, हिमालयन सब कर सकती है। और इसके लिए ये ब्लॉग के लिए मैंने हिमालयन को ही चॉइस किया, क्या भाई इसमें मैं सब कर सकता हूँ। चलो यहाँ में भी थोड़ा कच्चा पक्का रोड मिले तो यहाँ पे मजा आएगी। ओके, इधर दो ऑप्शन है, फिर भी हम पानी में से जाएंगे। हिमालयन है भाई, उसकी पूरी एबिलिटी दिखानी है हमें। बाकी गियर्स की बात करूं तो गियर्स बहुत लाइट वेट है ये, कुछ भी ऐसा मेरे को लग भी नहीं रहा है कि मैंने ऐसे कोई गियर्स वेयर भी किए। और हेलमेट तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, अभी अगर मैं CDBL डालता मेरा तो उसमें इतना अच्छे से ये सब नहीं कर सकता, मगर ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। और क्या व्यू आ रहा है यार, लिटरली व्यू देखो, बोल हो सके उतना हम लोग करने का ट्राई कर रहे हैं। और मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है एक्चुअली ऑफ रोड का, मैं अभी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ये, देखो नॉलेज है बट
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं अभी अभी करने लगा हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ऑफ रोड के साथ। और क्या लोकेशन है यार ये, वो देखो क्या व्यू है, क्या व्यू मिला यार इधर से। और आगे इतना भी नहीं है, अगर चलो इधर से ही करते जाते। बाकी आप लोग मेरे को बताओ गियर्स कैसे लग रहे हैं अभी आप लोग को। मेरे को तो फुल कंफर्ट जोन मिल रहा है इसमें, बोलते ना एक पूरा कंफर्ट है कुछ भी ऑफ रोड के लिए। मेरे को तो नहीं लगता ये गियर्स में कुछ दिक्कत होगी। तो प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग भी जो मैं आपको बता रहा था क्या, दोनों को प्राइसिंग कम से एक एंट्री लेवल के लिए बहुत सही प्राइसिंग है। ये जैकेट हमारा जो ये आता है 6K का आता है, टू बी वेरी प्रिसाइज 5999 इसका प्राइस है। और जो हमारा हेलमेट है, हेलमेट भी वही रेंज का है, 6K के अराउंड आ जाता है हेलमेट। एकदम बोले ना एकदम डिटेल जो भी है उसका प्राइस मैं रुकने के बाद बता देता हूँ, क्योंकि प्राइस का जो ऊपर लगा मेरे को अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, तो मैं प्राइस बता दूंगा आपको, टेंशन मत लेना। बाकी मैं बोलता हूँ आप लोगों को वर्थ है, ये लिटरली वर्थ चीज़ है। और चलो एक बार लास्ट टाइम, और क्या सही है व्यू बहुत सही लगा यार, लोकेशन बहुत सही लगी। और ऐसी लोकेशन पे हम फिर से सैडलिंग करेंगे। जो जगह है ना यार लिटरली वर्थ है। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं। That's it for today guys. आई होप आप लोग को ये दोनों भी प्रोडक्ट जो मैंने लिए है, जो जैकेट और हेलमेट है जो है, ये आप लोग को पसंद आए होंगे। और आज का व्लॉग सिनेमेटिक, अगर कुछ भी चीज़ आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।